ये हमारे पास एक फ्रंट लोड की वॉशिंग मशीन थी जो कि 7 kg की है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा था कि ये 4C का आयरन देके मशीन बंद हो जाती थी, यानी कि सर्विस का मसला ऑन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। ये इसके वॉल भी लगाए हुए थे बिल्कुल साफ़ करके, इसके बाद भी लगाए थे जब भी ये प्रॉब्लम आ रहा था। दूसरा इसके अंदर था कि ये है प्रेशर सेंसर, जिसे प्रेशर स्विच भी कहते हैं, हमने ये भी रिप्लेस करके देख लिया था। इसके बावजूद भी इसके अंदर 4C का आयरन आने के बाद मशीन चलती नहीं थी, और मशीन में जो प्रॉब्लम आता था ये था कि जब भी हम इसको चलाते थे ना, वॉश का साइकिल कंप्लीट करने के बाद दोबारा जब ये रिंस पे आती थी ना, उस वक्त यानी कि जब किसी कस्टमर के घर में था तो वहाँ पर इसके अंदर ये प्रॉब्लम आता था कि पानी इसके अंदर कम फुल नहीं भरता था, जो कि यहाँ पर हमारे पास था प्रेशर पम्प। प्रेशर पम्प के ज़रिए हमने चेक किया तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम ये था कि पानी का जो था वो ख़त्म हो चुका था, इसके अंदर पानी भरपूर आ रहा स्पीड में, तो इसकी वजह से ना हमारे पास पानी का तो इशू हो ही नहीं सकता था। जब हमने इसके अंदर पानी का कनेक्ट करने के बाद जब चलाया था ना, तो फौरन इसके अंदर इतना पानी भर जाता था कि यहाँ तक के ये टब फुल हो जाता था, कोई एरर शो नहीं करता था। आखिर में हमने ये करना पड़ा, इसके अंदर किसी और वॉशिंग मशीन की जो हमारे पास PCB थी, ये थी, हमने PCB इसका रिप्लेस किया, और PCB रिप्लेस करने के बाद ही जाके इसका जो प्रॉब्लम था हमारे सामने है, तो इसका मेन प्रॉब्लम था मेन PCB का, क्योंकि इसका अपना PCB ख़राब है, और हमने ये PCB रिप्लेस करने के बाद इसका मसला सामने आया था कि PCB का ही प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ये पानी मसल से ले जा रही थी और 4C का भी एरर दे रहा था। इसका मतलब है हमारा ये प्रेशर स्विच भी ठीक है और पानी का भी कोई इशू नहीं था। ये आपके सामने हमने पूरा साइकिल चलाने के बाद ही कंप्लीट किया, और ये डोर भी इजीली खुल गया इसका।